सो गाइस फाइनली ब्रेकफास्ट हो गया है एंड ये मिली मेरे को आज की कॉस्ट्यूम, क्योंकि आज हम बने हैं साइंटिस्ट। सो गाइस ये देखो पुराने जमाने के सामान दे रखा है भाई। क्या ये ट्रांसमीटर है? ट्रांसमीटर क्या काम है इसका? आवाज से जो है ना, एक तरह से सेलफोन है ये। दिस इज आवर लोकेशन फॉर शूट टुडे। और काफी यार ऐसा लग रहा है मॉलदीव्स में आ गया है। यहाँ का पानी भी साफ है गाइस। ऑलराइट, सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम विजय शर्मा एंड यू आर वॉचिंग विजय शर्मा ब्लॉग्स। सो रूट सुबह के बज चुके हैं अभी 4:30 और मैं निकल पड़ा हूँ शूट पे। तो बहुत टाइम बाद मुझे फिर से शूट मिला है, तो शूट पे जा रहे हैं हम। और जो लोकेशन है वो है मर्ड। तो सबसे पहले हमें जाना है कहाँ स्टॉप पे, वहाँ से पकड़नी है फेरी और फिर जाएंगे मर्ड पे और फिर दिखाते हैं आपको सब कुछ। तो जो भी चैनल पर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब इस चैनल। तो आपसे शेयर करूँगा मैं पूरा अपना शूट एक्सपीरियंस आज का, जैसा भी होता है। सो मिलते आएंगे। सो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं फेरी पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी सारी बोट्स हैं। इन फेरीज को हमें पकड़ के जाना है किधर, अपने लोकेशन पे जो कि मर्ड पे है। और अभी मैं बस जस्ट वेट ही कर रहा हूँ कि कब फेरी रेडी हो, क्योंकि अभी 5:00 बजे 5 बजे रहेगी फर्स्ट फेरी। तो अभी चल रहे हैं फेरी से और सामने का नज़ारा बिल्कुल बहुत शांति वाला हो रहा है, मतलब पीस वाला। कोई लोग नहीं आए अभी, ज़्यादा लोग बहुत कम लोग हैं यहाँ पर। तो अभी चलते हैं इसके पार और फिर दिखाते हैं आपको आगे। तो जो भी चैनल पर है प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल गाइस। और ये सब लोग वेट कर रहे हैं फेरी का, और सब तो कोई भी नहीं है, सिर्फ 2 लोग हैं यहाँ पे। वाह, यही दिन देखने का इस, मुझे भी पता नहीं कब आएंगे, पर जो भी है मिलते हैं आगे। सो गाइस फाइनली आ चुके हैं फेरी से और चलते हैं आगे। सो गाइस पता है आपको, इन्होंने मेरे को वीडियो नहीं बनाने दी, बोला कि वीडियो नहीं बना सकते हैं ये वो सब। तो चलते हैं अब बस स्टैंड पे और लेते हैं बस, क्योंकि लोकेशन पास में ही है। हम आज जाने वाले हैं बीच पे, मोराई बीच करके एक जगह है। तो यहाँ से लेंगे हम बस और उसके बाद लेंगे एक फेरी और मोराई, मतलब मोराई फेरी से लेंगे फेरी और फिर वहाँ से मोराई बीच पे। तो मैं खुद नया हूँ यहाँ पर और मुझे यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा पता नहीं है कि कहाँ कहाँ है। इसको मुझे कोई भी कुछ भी बोल के चल जा रहा है, मतलब अंदर गया तो वीडियो बनकर, मतलब वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया। बट कोई नहीं यार, अपना भी टाइम है गाइस। तो यार सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलता है। अंकल मलाड के लिए बस यहीं से मिलेगी? कब आएगी? आएगी जरूर, कब आएगी वो तुम्हें बता। काफ़ी छुट्टी है। हाँ, मतलब वहाँ पे है। हमारे फेरी है। हाँ, हमारे फेरी। अच्छा उधर ही जा रहे हो? हाँ, उधर ही। तो गाइस अब पकड़ रहे हैं बस और अब चढ़ते हैं बस में मुंबई की पहली सी बस पे। तो अब जाना है वैसे ना मल्ला, मतलब मारवाड़ी बीच फेरी पे। तो ये मुकेश भाई नए दोस्त मिले यहाँ पे, तो ये भी सेम शूट में जा रहे थे, बस चल पड़े शूट की ओर। चलो यार साथ का मिल गया, बैठो बैठो इधर ही बैठो। गाइस दिखाते हैं आपको आगे का सीन। फाइनली पहुंच चुके हैं मारवे फेरी पे हम, और अब यहाँ भी वैसे सेम हमें एक पकड़नी फेरी, मतलब बोट, और उसके बाद जाना उस पार। तो हमारी शूटिंग लोकेशन एक बीच पे होने वाली आज, मारवे बीच पे। तो दिखाते हैं आपको, और सीन ऐसा है ना, साइंटिस्ट टाइप का सीन है, मतलब सब लोग साइंटिस्ट होंगे वहाँ पे हम लोग, एंड फिर करते हैं बढ़िया से बुम बुम चाओ। भीड़ लग चुकी है।
सो गाइस आ चुके हैं फाइनली अपने फेरी में और चलते हैं उस पार। हमें बैक वेंचर, हम तो जा रहे हैं पीछे बैठ जाते एकदम। और तो गाइस पैसा खत्म, मजा हजम, सो चल रहे हैं अब। सेकंड टाइम फेरी एक्सपीरियंस, पहला कैसा एलिफेंटा गेट्स और सेकंड टाइम। और इतनी भीड़ लगाई, पहुंच गए शूट पे और अंदर है शूटिंग लोकेशन, यहाँ वीडियोस बनाने के लिए बंद कर देंगे। तो यार जस्ट अभी भी पहुंचे हैं शूट पे, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे और वीडियोस बनाने के लिए ना मना कर देंगे गाइस, तो मैं आपको बहुत कम दिखा पाऊँगा। तो मिलता है अभी, यहाँ पर होने वाला हमारा ब्रेकफास्ट सब कुछ, तो आप लोगों को दिखाते हैं। और वीडियोस गाइस मुझे थोड़ा छुपके बनानी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे मना करते हैं वीडियोस के लिए बिल्कुल, बट मेरे को ये आगे दिखाना है सब कुछ। तो गाइस ये सेटअप है पूरा यहाँ ना, और ये लोकेशन ऐसी है कुछ, मतलब यहाँ पे ना सेटअप टाइप के घर नहीं दिखाते जो मूवीज़ में, तो उस टाइप का यहाँ पर। और हमारा रूम भी इसी टाइप का है, कहीं इस साइड है। तो अभी मैं नया हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, आज मेरा फर्स्ट डे शूट पर। सो गाइस फाइनली ब्रेकफास्ट हो गया एंड ये मिली मेरे को आज की कॉस्ट्यूम, क्योंकि आज हम बने हैं साइंटिस्ट। तो सीन ये है कि यार ये जो मेरे को वर्क मिला है, ये मिला है मुझे मेरी वजह से सिर्फ, क्योंकि मैं ही हाथ पांव मार रहा हूँ गाइस, अपना वीडियोस भेज रहा हूँ, प्रोफाइल भेज रहा हूँ, तो आप लोग भी भेजो और आप लोगों को मिल सकता है वर्क। तो अभी करते हैं चेंज और फिर दिखाता हूं आपको शूटिंग लोकेशन, मेरे को भी नहीं पता खुद। सो गाइस फाइनली हो चुका है ड्रेसअप चेंज एंड मतलब बहुत सही मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छी लोकेशन है और पूरा आइलैंड पे है लोकेशन, मतलब बीच टाइप का है। आगे का सीन मैंने देखा नहीं है, लोग कह रहे हैं काफ़ी अच्छा है बीच टाइप का बिल्कुल, तो देखते हैं और दिखाते हैं आपको भी। तो आप बताइए, साइंटिस्ट लग रहा हूँ मैं, लग रहा हूँ रोहित मेहरा, मेरे साहब दिखाई दे रहा माँ। और आपको पता है मुझे कभी भी रोक सकते हैं वीडियोज़ बनाने के लिए, या मेरी वीडियोज़ कभी भी डिलीट हो सकती है, जैसे कि पहले से होता है मेरे साथ। तो बट कुछ नहीं, भी बनाते हैं और चलते हैं आगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल लोकेशन वी हैव। सो गाइस दिस इज आवर लोकेशन फॉर शूट टुडे, और काफ़ी यार ऐसा लग रहा है मॉलदीव्स में आ गया है, यहाँ का पानी भी साफ है गाइस, एग्जैक्टली एकदम लग रहा है जैसे कि वो है। और यहाँ पे हो रहा है हमारा गणपति रोल, ये देखिए गाइस। बस चलते हैं और अब करते हैं शूट, अब मिलते हैं आपको आगे। सो गाइस ये देख रहे आप कितना प्यारा यार, आई मीन दिस इज अमेजिंग व्यू, पूरा मालदीव्स लग रहा है और जो वाटर है बिल्कुल साफ है गाइस, वर्सोवा जैसा नहीं है। और अभी क्या हुआ पता है आपको गाइस, यहाँ पे इन्होंने मेरे को कहा कि आपको साइकिल लेके वहाँ से इधर की तरफ आना है कैमरे की तरफ, तो मैं बहुत खुश हुआ कि यार साइकिलिंग करूँगा, लेकिन आप गाइस साइकिलिंग देखोगे ना, मतलब साइकिल देखोगे ना 90s की यार, ये देखिए मेरे को अजीब सा लगा बहुत यार ये, तो अभी इन्हीं साइकिल के साथ जाना पड़ेगा मुझे तो। बट ये थोड़ी वैसी साइकिल है, अभी थोड़ी न्यू वाली आएगी साइकिल ना, तो उस साइकिल में करेंगे, बट काफ़ी अच्छा हो रहा है। और इस पानी को देख के तो यार आई मीन दिस इज अमेजिंग, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, वाह यार ये दिस इज अमेजिंग बीच यार। ये है शूटिंग लोकेशन आज, और ये अपने साथ वाले हैं, और ये है इशू भाई, कैसा लग रहा है शूट पे भाई? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, मज़ा आ रहा है, बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा है। तो जस्ट अभी स्टार्टिंग हुई है, तो आज हम सब लोग बने साइंटिस्ट, है ना मुकेश? साइंटिस्ट बने, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस? एक्साइटेड यार, मजा आ रहा है, वेरी एक्साइटेड। या सो गाइस अभी मतलब काफी अच्छी वाइब आ रही है, आगे हमारी जस्ट मिसाइल है, आपको दिखाता है, ये देखिए आप, यही लॉन्च करनी है हमें और यही भाई उड़ाएंगे और बैठ के ऊपर ही जाएंगे सीधे। सो गाइस बने रहे चैनल पे, एंड जो भी चैनल बनाया प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल। सो गाइस मिलते हैं आगे। चार तो फोन पे आ जाओ सर, आप चारों लोग इस जगह पे रहो, ठीक है गाइस। अब हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है यहीं से, और उधर काफी लोग और आगे मालदीव्स। Thank you.
चल रही है शूट की लोकेशन और सब सेटअप हो रहा है अभी, रेडी वेडी सब कर रहे हैं। और हमारा सीन ये है कि हमें बोला है बैलगाड़ी के साथ रहना अभी, और अभी एक्टर लोग आएंगे, हमारे साथ सीन है उनका बढ़िया, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है बेसिकली। और जगह बहुत प्यारी है, सुंदर है। सो गाइस यहाँ पे पूरा सेटअप चल रहा है और ये है ड्रोन, तो आप देख सकते हैं ड्रोन चल रहा है बढ़िया से। भैया पानी देने, थैंक यू। सो काफ़ी अच्छा, मतलब हैक्टिव हो गया यहाँ पे ना अभी, तो काफ़ी लोग हैं और ये भाई इसमें अच्छा रोल कर रहे हैं और हमारे साथ हैं, आपको देखेंगे वेब सीरीज के अंदर। बिल्कुल, तो करते हैं अपना सीन, डायरेक्टर बुला रहे हैं, तो मिलते हैं। सो गाइस देखो पुराने जमाने के सामान दे रखा है भाई। क्या ये ट्रांसमीटर, क्या काम है इसका? आवाज से जो है ना, एक तरह से सेल फोन है ये। अच्छा, सो गाइस ये सब पुराने 90s का सब कुछ दिखा रहा है। टूटेगा नहीं उड़ेगा, आवाज यहाँ पे आएगी इसके। हैं सारे टेस्ट ना? सारे टेस्ट। सो काफी अच्छा लग रहा है गाइस, और मिलिट्री बेस बना हुआ है बिल्कुल। तो मजा आ रहा है भाई शूट पे? मजा क्या, बोरिंग लग रहा है, मजा क्या आ रहा है, समुंदर है तो थोड़ा सा कम लग रहा है। या या, सो गाइस ऐसी इस टाइप से हम फन कर रहे हैं पूरे शूट पे और काफी मजा आ रहा है। मतलब यार दिस इज रियली अमेजिंग, अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग शूट। 90s का लुक है और रॉकेट बॉयज नाम है। मैं पहले बताना नहीं चाह रहा था आपको, फिर मैंने बता दिया कि जो ये प्रोजेक्ट है इसका नाम है रॉकेट बॉयज। तो अब ये सीन है कि शूट करते हैं और काफ़ी साइंस वाली चीज़ें पता चल रही है हमें, जो हमारे डायलॉग्स हैं जिस हिसाब से, कि जैसे उसमें हमारा डायलॉग है, मतलब ये बोल रहा है मेन एक्टर ना, कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं, मतलब नीचे का ग्राउंड लेवल का जो टेम्परेचर था वो 32 था, पर जो हमने पतंग ऊपर भेजी उस पर जो टेम्परेचर आया वो 30 आया, मतलब ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम हो रहा है। और इसकी वो बता रहा था मतलब कि क्यों, उससे पहले कट हो जा रहा क्योंकि कुछ ना कुछ या वो ठीक से कर नहीं पा रहा या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वही ये चीज़ है गाइस। सो गाइस इस टाइप के रॉक्स हैं ऊपर, तो इन पर चढ़ के जा रहे हैं हम और थोड़ी देर बैठ जाएंगे भी छाया में, क्योंकि यहाँ वैनिटी का कोई सीन नहीं है, यह आईलैंड है चारों ओर। हमने दो बार फेरीज ली थी गाइस आने के लिए, मतलब दो बार ना हो आप समझ सकते हैं। तो अभी सीन ये है कि अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और जब हमारा शूट होगा तो वो दिखेंगे। सब लोग थक गए गाइस और आर टायर्ड राइट नाउ। पूरा शूट चल रहा है यहाँ पे और हम लोग कर रहे हैं अपने रिहर्सल। और यहाँ पे सीन ऐसा है गाइस कि हम लोग हैं, कुछ बताइए भाई, कुछ बताइए। शूट चल रहा है, बहुत ही अच्छा एक्टर है भाई को करेक्टर मिला हुआ, देखना सीधी जिसको वो ठीक है। आप इस जो रॉकेट दिख रहा है, रॉकेट के सामने बताइए। रॉकेट क्या है ये, मैं इसको पिछले 7 साल से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ अपने देश के लिए कुछ गिफ्ट करूँ, तो पिछले 7 साल से मैंने अपनी ज़िंदगी इसी में दी है दोस्तों। ओके, बहुत मेहनत की है मैंने, आज इसको लॉन्च करने वाला हूँ। देख रहे हो ये कैसे स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है वो लॉकडाउन वाले जो ऑनलाइन से पढ़ रहे थे, ऑनलाइन पढ़ के इसको। देख सकते हो इतना प्यारा व्यू, आई मीन दिस इज अमेजिंग। आज पूरे दिन भर हम यहीं थे और अब फाइनली जस्ट पैकअप हुआ है, सब लोग घर जा रहे हैं अपने। ये देखो लाइटिंग ख़राब हो चुकी है बिल्कुल, बट गाइस ऐसा है कि अब हम लोग भी निकल रहे हैं और बहुत अच्छा रहा शूट और काफ़ी अच्छे सीन लिए गए हमारे, पूरे दिन भर बिजी थे, आपको ज़्यादा दिखा भी नहीं पाया, बट जो भी हुआ अच्छा हुआ यार। तो ऐसी शूटिंग रिलेटेड ब्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं गाइस आपको न्यू ब्लॉग पे। एंड जो भी चैनल पे नया है प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल और एंजॉय करो इस ब्यूटीफुल से व्यू।